बहुत खुशी की बात है, मुबारक की बात है कि जो हमारा पुराना कल्चर था तांगे का, जो बहुत सालों के बाद आपको यहाँ पे खासकर टूरिस्ट को देखने को मिलेगा। इतनी खूबसूरत वादी में बग्गी पे आपका टूरिस्ट जाएगा, आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने ये शुरू किया है, पहली जरूरी बात कि उनको रोजगार मिल रहा है। ये कल्चर वापस शुरू होना चाहिए। कोई भी माध्यम, कोई भी तरीका, कोई भी यूनिट जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड शाना बशाना इन सब बच्चों के साथ है। जिस तरीके से लास्ट ईयर हमारा टूरिज्म, उससे पहले एक साल टूरिज्म का एक नया अंदाज जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है, 3 करोड़ टूरिस्ट लास्ट ईयर आए, आज भी भर भर के टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत नजराना होगा हमारे मुल्क के डिफरेंट कोनों से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो इसकी सवारी यहाँ से निशात से दरगाह शरीफ पे जा सकते हैं, इवन नॉर्मल लोग भी। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक इस पे सवारी लेके दरगाह, और रूटीन होनी चाहिए लोकल लोगों की भी कि इस पे जाएं, बच्चे खासकर इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। तो बहुत मुबारक इन बच्चों की ये आइडिया लेके, ये सोच लेके आए हैं और बखूबी इसको निभाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड करीब अब 5-6 साल से लगातार मुल्क में नंबर 1 पूरे MSMEC में आ रही है। 4.5 लाख लोगों को हम अभी तक एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें, अभी तक हमने 2022 और 23 में 6,828 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं, 23 में 8,401 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो हमारी सब्सिडी करीब 98 करोड़ रुपया जाती है। और खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का काम है, यहाँ पे अभी तक हमने करीबन 4,500 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं। बखूबी एक बात ये है जो बार बार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को पहली बार भारत सरकार की तरफ से ये पहल करने को मिली है कि अर्बन एरियाज में काम करें। अर्बन एरिया हमारा डाउनटाउन है, अर्बन एरिया हमारा श्रीनगर है। अर्बन एरिया में पहले ऐसी स्कीम्स का लाभ हम बच्चों को नहीं दे पाते थे, बहुत कम स्कीम्स थी जो अर्बन एरिया में। और खुशी हो रही है कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड टीम बखूबी काम कर रही है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के यूनिट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं और हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है।